आप दिन में कितनी बार करती है? बार बार। हाँ हाँ ठीक है, जाने दो। काका, 6 बजने में कितना वक्त है? 15-20 मिनट बाकी है। हाँ क्या कर रही हो तुम? ओ दीपक का फोन आया, कुछ हुआ? नहीं आया फोन उसका, कुछ नहीं करने वाला। मैसेज आया दीपक का, ये नई बहन का इंतजाम नहीं हुआ। काका इन लोग को कुछ हुआ है क्या? इनको मैं देखता हूँ। ये सब क्या चल रहा है, खुसर पुसर? नहीं, वो माँ पूछ रही थी, कह रही थी कि वो बहन टमाटर लाने वाली है आज। हाँ। तो रात को खाने में टमाटर का सूप रस्सा बना दे आज शाम के खाने का। हाँ चलेगा, टमाटर का रस्सा हमें बहुत पसंद है। हाँ भाभी जी, जीरा टाका तेजत बहुत अच्छी सुगंध आती है। बिल्कुल बिल्कुल। What is जीरा टाका? अरे काका। हाँ। काका 6 बज गए। तो सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं, वो बहन आने वाली थी ना, इसलिए पूछा। प्रेमचंद जी, 6 मैं खोलता हूं। मैं अच्छा नहीं लगे, मैं देखता हूं। बैठो बैठो सुधाकर, बैठो। बहन का इंतजार कर रहा है। बहन, बहन आ गई। खुशबू साबुन और खुशबू इत्र, खुशबू ऐसी कि दुश्मन भी दोस्त बन जाए, पड़ोस खींची चली आए, और गटर गटर भी फूलों से महकाए। तो बताइए आपको क्या चाहिए? बहन। बहन? बहन आ गई। तो सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो ऐसे बहन बोलकर रिश्ता बनाकर ये मत सोचो कि मैं साबुन का कम दाम लगाएगी, डिस्काउंट नहीं देगी। मैं पहले ही बोल रही हूँ। अरे मैं तुम्हें दुगना दाम देने को तैयार हूँ, यूँ समझ लो तुम्हारे सारे साबुन सारे इतर सब कुछ बिक जाएगा।
बस उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? अंदर कुछ लोग हैं जो ये समझ रहे कि तुम मेरी बहन हो, बस उनके सामने मेरी बहन बनने का नाटक करना होगा। दैट्स इट। हो जाए, हो जाए, हो जाए। अरे बेटा, उधर ही बात करते रहोगे क्या? बहन को लेके अंदर आओगे? मैं आऊं? लोखंडे जी, लोखंडे जी, लोखंडे जी। उसे पता नहीं कि आप लोग यहाँ हैं। हाँ। इसलिए जय उसे बता रहा है, उसे सरप्राइज देना चाहता है। आप यहीं पे रहिए, मैं अभी आया। सरप्राइज भी दे रहे हो, बता भी रहे हो? होगा कुछ, क्या मालूम। भाई साहब, वो टमाटर का रस्सा। आगे आगे आगे। देखो बेटा, ये जो कह रहा है करो बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है। अच्छा, जीरा टाक के बनाऊं कि जीरा बिना टाके बनाऊं? टमाटर का रस्सा ही मत बनाइए। आगे आगे। क्या बाप बेटे में खुसुर पुसुर चल रही है? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। जया, तुम्हारी भाभी। मैं कह रहा था ना बाबा, ये देखिए टाइम की बहुत ही पाबंद है। और देखो ना भाई साहब, जैसे बोला था वैसे ही टमाटर साथ में लेके आई। पूरी बैग भर के टमाटर लाई हो? हाँ, टमाटर बहुत पसंद है इसे। इसका बस चले ना तो ट्रक भर के टमाटर ले आए। पर अगर बस चलेगी तो ट्रक भर के टमाटर कैसे लाएगी? जी। माँ ना बहुत मजाक करती है। फंसाने का कोई मौका छोड़ती नहीं है। आप भी? अरे हंसाने का कोई मौका छोड़ती नहीं है। बाबा एक बार, एक बार बाबा आप इनके हाथ टमाटर का सूप पी के देखिए। आहा, वाह वाह वाह, क्या बात। अरे क्या बोल रहे हो, तारीफ ही सुनने को तैयार नहीं है। नहीं। कुछ करना पड़ेगा दीपक तिजोरी। देखिए टमाटर सूप की बात ऐसी है कि ये लोग ना बेहोश हो गए। दाई बेहोश हो गई, दाई बेहोश हो गई। सुधाकर, इन्हें कमरे में लेके चलो। अरे उठा, क्या कर रहा है पागल? सुधाकर मत, मिनट। दाई बेहोश हो गई, दाई बेहोश हो गई। देखो प्लीज प्लीज मेरी बहन बन जाओ। नहीं प्लीज। नहीं। कैसी हैं आप? मेरी बहन बजाओ, बहन बजाओ। वाह क्या बात है, क्या? संभाल गए। देवा रे देवा, इतना बड़ा घर, तुम लोग मेरे को किधर लेकर आए हैं? क्या चल क्या रहा है? अरे ये मेरा ही घर है। अरे घबराओ मत। हाँ अभी तेरे से क्या डरेगी मैं, टांग तोड़ दूंगी ना तेरा। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? अरे उधर से इधर तुम लोग खुफिया दरवाजे से मेरे को लेकर आए? तुम लोग कोई स्मगलर वगलर तो नहीं है ना? देखो देखो, मैं साबुन और इत्र बेचती है, मेरे से ना स्मगलिंग वगलिंग का काम नहीं होगा रे। प्लीज मेरे को माफ करो, मेरा बैग दे दो। प्लीज मेरा बैग दे दो, मेरा बैग दे दो। ले मेरा भाई ले। अच्छा ठीक है, मैं चलती है, थैंक यू। नहीं रुक रुक रुक,
तूने बैग मांगा, मैंने बैग दिया ना। हाँ। अब बस मुझे 2 मिनट दे, 2 मिनट में तुझे सब कुछ समझाता हूँ, प्लीज। 2 मिनट? हाँ। इन्हें ये जो चक्कर आई है वो निर्जलीकरण की वजह से आई है। भाई साहब, ये अंजलीकरण कौन है? हाँ, अंजलीकरण नहीं, निर्जलीकरण। शरीर में पानी की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। इसके पहले भी ऐसा कभी हुआ है बहन जी को? जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब? नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब है कि इलाज की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इन्हें पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। प्रेमचंद जी, आप ऐसे बीच में क्यों बैठे हैं? ना अंदर ना बाहर। एक तो पूरी तरह से अंदर चले आइए या तो फिर बाहर चले जाइए। अब क्या अंदर क्या बाहर, मैं तो कहीं का नहीं रहा ना। ये वो क्या है कि मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। जब तक ये दर्द बाहर नहीं आएगा तब तक मैं अंदर नहीं आऊंगा। बहन जी, अब कैसे लग रहा है? लग रहा है, लग गई। अरे, आंख लग गई थी। सरान को फोन करके पूछो ना क्या हो रहा है। किसे फोन करके पूछना है? ये बताएंगे। हाँ बताइए। मैं बताता हूँ, हमारे फैमिली डॉक्टर से फोन करने की बात कर रही है। डॉक्टर की क्या जरूरत है, बाबा को आयुर्वेद की बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ, अरे हमारे होते हुए डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है कि मुश्किल समय में हमारे फैमिली डॉक्टर ही काम आते हैं, क्योंकि इस रोग का उन्हीं के पास वो सॉल्यूशन है ना। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की ना, हम सबके सब फंस जाएंगे। प्लीज मेरी बहन बन जाओ। नहीं। अरे हाँ अंकल। हेलो कंपाउंडर, जरा डॉक्टर को देना। रॉन्ग नंबर। कंपाउंडर, डॉक्टर साहब को दे। गजा। ओके 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 ओके। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? अंकल का फोन है। अच्छा अच्छा, ठीक से। हेलो। हाँ डैड। डॉक्टर साहब, आपको कितनी देर लगेगी यहाँ आने में, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस होते जा रहा है। एक सेकेंड। हाँ नहीं नहीं डैड, यहाँ पर वक्त लगेगा। आप कुछ करिए, आपको वहाँ संभालना होगा डैड। हाँ हाँ, जितना हो पा रहा है वो तो कर ही रहे हैं। आप जल्दी आइए, जल्दी 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 आ जाइए। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ डैड। अरे भाई जाना जा, अब तुम समझ में आया? हम सब ने इस तरह गरीब बनने का नाटक किया मेरे प्यार को पाने के लिए। अब अगर तुम मेरी बहन बनके मेरी मदद नहीं करोगी तो मेरी लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाएगी। देखो क्या है ना कि मैं एक सेल्स गर्ल है, पता है, घर घर जाकर साबुन इतर बेचती है। घर घर जाकर घर घर खेलने की आदत नहीं है मेरे को। हाँ, मैं चलती है। कहाँ जा रही है तुम? एक सेकंड ना मेरी बात सुनो। मैं क्या बोलता हूँ कि बहन बनने में प्रॉब्लम क्या है दीदी, बन जाओ ना बहन दीदी। ए? क्या दीदी दीदी लगा रखा है? हाँ, बहन बनने के लिए अभी तक मैंने हाँ नहीं बोला है, और इसको बोलो ना, ये मेरे को बार बार काय को दीदी दीदी दी बुलाता है। ए, मत बुलाना दीदी दीदी। देखो दीदी, हाँ? मेरे पिताजी अपनी टूटी हुई टांग लेकर दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो हम सबकी मेहनत में पानी फिर जाएगा। प्लीज मेरी बहन बन जाओ। देखो मेरे को ऐसा ना इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करने का। तुमको साबुन और इत्र चाहिए तो बोलो ना, मैं देती है। नहीं चाहिए साबुन और इत्र। ठीक है तो मैं चलती हूँ। अरे ये क्या कर रही है तू? अरे इसकी बात क्यों नहीं मान लेती? कब से बेचारा दीदी दीदी किए जा रहा है और तू है कि बात ही नहीं मानती। अरे बन जा बहन।
तुम लोग ऐसे ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करेगा ना तो अब तो मेरे को तुम लोग की बहन बनने का इच्छा नहीं है। मैं जा रही हूँ। नहीं, कोई नहीं चिल्लाएगा। जाना भाई जाना, जा दीवार पर अपना मुंह चिपका के खड़ा हो जा। देखो मेरी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन आज भगवान ने तुम्हें मसीहा बनाकर भेजा है, तो मेरे लिए ना सही, भगवान के लिए तो मेरी बहन बन जाओ। सुनो, हम चाहते हैं कि तुम बहन बनो और कीमत जो बोलो वो हम तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे। काम हमारा होगा, दाम तुम्हारा होगा, जितने चाहोगी उतने पैसे तुम्हारे मुंह पे फेंकूंगा। मेरे को खरीदेगा तू? मेरे को खरीदेगा? हाँ, कान के नीचे एक बजाएगी ना तब सारी एक्टिंग निकल जाएगी तेरी। चल भाग यहाँ से, मैं जा रही। नहीं, तुम्हें चाहिए तो उसको बजा देना, लेकिन प्लीज जाना मत यहाँ से। गाय माँ की बीमारी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है बाबा। काढ़ा भी पिला दिया लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। अब तक तो हो जाना चाहिए था। रुको, बस। हाँ, उठा, खड़िया। देखो क्या कर रहा है, इधर आ। ऐसे नहीं मानेगी। अरे तू क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है, क्या कर रहा भाई? किसी चीज की हद होती है? जब तक ये हाँ नहीं बोलेगी तब तक ये बेल चलेगा। देख अभी। अब जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी ये तो ऐसे ही मारता रहेगा। अरे नहीं। हाँ बोलती हो बहन बनने के लिए? नहीं भाई, तो और मार। नहीं नहीं भाई, रोको उसको। हाँ बोल रही हो? नहीं भाई, और मार। अरे रुक जाओ। हाँ बोल रही हो बहन बनने के लिए? हाँ बोल रही हो? हाँ हाँ हाँ। हो गया, रुक जाओ भाई। हो गया, हो गया। मैं मदद तुम लोग की। मान गई। देखा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये ओवर एक्टिंग दुकान, मैं तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से नहीं मानी। हाँ फिर वो पैसे वैसे की क्या बात की थी? कितना पैसा मिलेगा भैया? जितने पैसे मांगते ना दे दो। अरे कौन पैसे मांग रहा है? ये डॉक्टर के लिए कह रही है कि हमसे जितना हो पाएगा उतने पैसे हम दे देंगे, बस खाली जल्दी आ जाए। मैं काम करती हूँ, मैं ही जाके बात करती हूँ। आपको किससे बात करनी है? भगवान जी से। जहाँ दवा और दारू दोनों काम नहीं करते वहाँ सिर्फ भगवान जी ही काम करते हैं, इसलिए ये मंदिर जाने की बात कर रही थी। हाँ ये सही है। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मेरी बहन बनने का नाटक करके तुम मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रही हो। थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अरे 10 भी चलेगी, तुम सिर्फ बोलो। पहली, मेरे को ना रोज का रोज पैसा चाहिए, वो भी कैश। दिया। दूसरी, हाँ, सुबह 9 बजे आएगी और रात के 9 बजे चली जाएगी। चलेगा। और तीसरी, हाँ, मेरे को कोई छेड़ेगा नहीं। हाँ कैसी बातें कर रही हो तुम? हम तुम्हें क्या छेड़ने वाले लग रहे? वैसे तो तुम लोग ये सब करने वाले भी नहीं लगते हो। हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। ओके। हाँ क्या ये? टमाटर का सूप। लाला। अरे तेरे लिए नहीं है, ये वो सूप है जो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। है? हाँ? जो तुम वहां पड़ी हमारी बेहोश माँ को जाकर बड़े प्यार से अपने हाथों से पिलाओगी। ओके। बाप रे। हाँ, इनकी हृदय की धड़कन को देखकर ऐसा लगता नहीं है इतनी बड़ी उम्र की है। 21 साल की लड़की की तरह दिल की धड़कन चल रही है। मानना पड़ेगा भाई साहब, ये 21 साल की ही है। इक्कीस की है मतलब? नहीं नहीं लुधियाना जी।
लोखंडे जी, औरत चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन वो 21 से बड़ी कभी नहीं होती। मैं यही बोलना चाह रही थी। और लगता है दाई माँ अपने खाने पीने का खास ख्याल रखती है। पीने का तो खास। अरे लीजिए, तैयार है टमाटर का सूप। जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और जिसे मैं माँ को रोज पिलाती हूँ अपने हाथों से बनाकर। ठीक बोला ना भैया? तुम कभी कुछ गलत बोलती हो बहन। अब बेचो मत और पिलाओ। माँ माँ देखो माँ, मैं आ गई, टमाटर का सूप लेकर आ गई। अपने हाथों से पिला दो। पकड़िए माँ। पूरी लाओ माँ। अरे होश आ रहा है? आ गया, होश आ गया, होश आ गया। लोखंडे आ गई तू? ये पांच पांच कटोरी पिएगी? नहीं नहीं अंकल, वो तो एक ही पिएंगी। अब मैं आपकी टेस्टिंग के लिए लाई हूँ। मेरी टेस्टिंग की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है टमाटर सूप टेस्ट करने के लिए लाई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए ना अंकल जी। अच्छा, आपके लिए भी टमाटर का सूप। थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? जी उर्मिला। जी उर्मिला? नहीं नहीं, सिर्फ उर्मिला। वैसे दाई माँ, आपको कैसा लग रहा है? सुबह की धूप और बिटिया के हाथ का सूप जैसे ही माँ को मिल जाता है ना, उनकी जान में जान आ जाती है। माँ माँ बेटी का प्यार ना। वाह 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 वाह। दो माओं की गड़बड़, एक बहन की गड़बड़। ओह यस, ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो एन वक्त पर उसने उर्मिला को भेज दिया। ओह राइट डैड, वो वहां बैठे बैठे ना मेरे प्यार की रखवाली कर रहा है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच मेरी छोटी गरीब फैमिली बनाने के लिए। थैंक यू। अभी इससे पहले कि लोखंड वाला जी को हमारी इस फैमिली लोखंडे लोखंडे अंडे 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 लोखंडे इससे पहले कि लोखंडे जी को हमारी ये झूठी फैमिली के बारे में पता चल जाए, तू जया का हाथ मांग ले बेटा। उनके मुंह से किसी भी तरह से ये बुलवा ले कि जया के लिए तू ही एक सही लड़का है, बस। यू राइट डैड, यू राइट। और ये काम आज ही करना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.